हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां की परंपरा, संस्कृति और हस्तशिल्प कला बहुत ही अद्भुत है। इस राज्य की लड़कियां भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। बॉक्सिंग से लेकर वेट लिफ्टिंग तक कई इंटरनेशनल प्लेयर्स इस राज्य ने देश को दिए हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध पोलो खेल की उत्पत्ति भी इसी राज्य में हुई है। ये राज्य भारत के सेवन सिस्टर स्टेट्स में से एक है और यहां पर दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। ये पूर्वोत्तर में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वेज खाना काफी अधिक खाया जाता है। इस राज्य को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था और इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर राज्य के बारे में। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आजादी के बाद भारत में शामिल होने वाली अंतिम जगह मणिपुर मानी जाती है। सन 1956 में मणिपुर को भारतीय सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी थी। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आज के समय में मणिपुर की कुल जनसंख्या 30 लाख के आसपास पहुंच गई है। मणिपुर अपनी सीमाएं नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार के साथ साझा करता है। मणिपुर की राजधानी है शहर इम्फाल, जो भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने प्राकृतिक परिदृश्य और हरियाली के लिए जाना जाता है। मणिपुर कई जनजातियों की भूमि है और इम्फाल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। मणिपुर का मतलब है मणियों यानी रत्नों की धरती और यह नाम इसकी सुंदरता के कारण इसे दिया गया है। यहां बादलों से भरा आसमान, साफ और नीले झील, हरे भरे जंगल, मनमोहक वादियां, खूबसूरत झरने, चाय के बगान और राष्ट्रीय उद्यान जैसा बहुत कुछ प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण हर पर्यटक के मन को काफी सुकून देता है और इस राज्य की कला की भी अपनी अलग ही पहचान है। मणिपुर का इतिहास काफी ज्यादा पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि भगवान ने नृत्य करते हुए इस राज्य की खोज की थी और अपने हाथों से इसे बनाया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेईतेई जनजाति के लोग सना महिजम नाम के एक अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा नागा और कुकी जनजाति के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। कुल मिलाकर लगभग 60 जनजातियाँ आज भी मणिपुर में निवास करती हैं। मणिपुर में अधिकतर लोग मणिपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा को मेईतेई कहा जाता है, जो इस राज्य के अलावा असम और बांग्लादेश में भी बोली जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मणिपुर में 41% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 41% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। राज्य में 9% लोग मुसलमान हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मणिपुर में लोग ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा अपना रहे हैं। साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी में 10% की गिरावट देखे गए थे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की 36% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। आज भी मणिपुर के कई इलाकों में दिन में बेहद कम समय के लिए ही बिजली आती है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के भी बहुत अच्छे साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मणिपुर के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपए आंके गए है। मणिपुर में कुल 9 जिले हैं और हर जिले की अपनी अलग अलग पहचान और खूबसूरती है। आपको बता दें कि ये राज्य इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। विशेष तौर पे मणिपुर की लड़कियां काफी सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनकी सुंदरता को देखकर यहां जाने वाले नौजवानों का मन यहीं बस जाने का करने लगता है। भले ही बाकी मामलों में मणिपुर पीछे क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन के मामले में मणिपुर काफी समृद्ध नजर आता है। आज के समय में मणिपुर की लगभग 77% आबादी शिक्षित है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और 3/4 हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल मौजूद है। ऐसे इलाके में भी इतनी अच्छी लिटरेसी रेट होना मणिपुर के साथ साथ पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर में इमा कैथल नाम का एक बाजार लगता है जो 500 साल पुराना है। इस बाजार को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है और 4,000 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे अपना सामान बेचती हैं। इस बाजार में फल, सब्जी, मीट, कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। मणिपुर की अर्थव्यवस्था माइनिंग, पर्यटन और खेतीबाड़ी पे ही निर्भर करते हैं। यहाँ पर खेतीबाड़ी बड़े पैमाने पे की जाती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण लोग झूम खेती की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहाड़ों को काट के खेती की जाती है। यहाँ सबसे अधिक धान, गेहूं, मक्का, दालों और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। इसके अलावा पाइनएप्पल, नींबू, केला, संतरा जैसे फल और फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पे किया जाता है। साथ ही मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लोग औषधि के तौर पे करते हैं और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ तो रोजाना अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर को अगर स्पोर्ट्स के लिए स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के कई देशों में आज पोलो खेल काफी लोकप्रिय है। इस खेल की शुरुआत 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मणिपुर में ही हुई थी। उस समय पोलो को यहाँ पर संगोल कंगजेई के नाम से जाना जाता था। रग्बी खेल भी आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक बॉल लेकर दौड़ लगाई जाती है और दूसरी टीम के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में भी ऐसा ही खेल खेला जाता है, लेकिन ये खेल असली नारियल से खेला जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में यूबी लग भी बोलते हैं। इसके अलावा कुश्ती को यहाँ पर मुकना के नाम से जाना जाता है। यांग तनाबा,
और ओलोबोई जैसे और भी खेल यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। और तलवारबाजी की तो जितनी बात करें उतनी कम है। 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन का खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली मैरी कॉम भी मणिपुर से ही है। इतना ही नहीं, हाल ही में समाप्त हुई टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की जन्मभूमि भी मणिपुर है। मणिपुर ने इसके अलावा भी कई शानदार प्लेयर्स भारत को दिए हैं, जिसमें गौर मंगी सिंह जैसे फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं। असल में मणिपुर में मनोरंजन के लिए मॉल्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ के युवा तरह तरह के खेल खेल के ही अपना मनोरंजन करते हैं। वैसे सही भी है, फिजूल के खर्चे करने के बदले खेल कूद ही सही है। आज की तारीख में कई क्लब्स और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं मणिपुर में चल रही हैं। दोस्तों, इरोम शर्मिला का नाम भी आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, जिन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। वो भी मणिपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, जो लगभग 16 सालों तक आर्म्ड फोर्सेज एक्ट के मुद्दे को लेकर लगातार भूख हड़ताल पे रहे। नॉर्थ ईस्ट के खान पान की बात ही कुछ और है, और यहाँ के जायके सबसे अलग है। मणिपुर का भोजन और यहाँ तरह तरह के व्यंजन काफी स्वादिष्ट माने जाते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह यहाँ के लोग नॉनवेज ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। मणिपुर के लोग सादा भोजन करने पे विश्वास करते हैं, लेकिन कई प्रकार के मसाले जैसे हींग, जीरा, धनिया और पुदीना मणिपुर के खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मिर्च और तीखापन यहाँ के लोग कम पसंद करते हैं। मछली और चावल लोगों की रोजाना की डाइट में शामिल होता है, और शाकाहारी लोग मछली की जगह फल और हरी पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में शामिल करते हैं। और कंगशोई मणिपुर की सबसे लोकप्रिय डिशेज हैं, जो आपको राज्य में हर जगह मिल जाएंगे। मणिपुर में पिछले कुछ सालों के दौरान ओक टोसार इंडस्ट्री ने तेजी से पैर पसारे हैं, और अब यहाँ सिल्क का कारोबार काफी लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस उद्योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मणिपुर राज्य अपने लोक नृत्य, पर्व और फेस्टिवल्स के लिए भी जाना जाता है। साल का ऐसा कोई महीना नहीं होता जब मणिपुर में त्योहार सेलिब्रेट न किया जाता हो। याओशांग मणिपुर का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो 5 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपनी शक्ति के अनुसार चैरिटी करते हैं और तरह तरह के पकवान खाते हैं। सजीबू चैराओबा मणिपुर का नया साल होता है, जो अप्रैल महीने में आता है। इसके अलावा निंगल चकोबा नाम का एक और त्योहार यहाँ मनाया जाता है, जिसमें शादीशुदा महिलाएं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने चली जाती हैं, और फिर धूमधाम के साथ उनके पति वापस उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। गंग चिंगबा के दौरान यहाँ धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इन सबके अलावा कूट, गंग नंगाई, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी यहाँ भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। दोस्तों, मणिपुर के वर्ल्ड फेमस मणिपुरी नृत्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे रासलीला भी कहा जाता है। ये लोक नृत्य मणिपुर की शान मानी जाती है। मणिपुर में आपको एक भी ऐसी महिला या पुरुष नहीं मिलेगा जिसे डांस करना ना आता हो। यहाँ के कई नृत्य राधा कृष्ण को भी समर्पित है। जब बात होती है खूबसूरती की, तो यहाँ की लड़कियों को आपने मणिपुर की पारंपरिक वेशभूषा में एक बार देख लिया, बस फिर तो आपका दिल पिघलना तय है। मणिपुर के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति खास लगाव रखते हैं, और इसीलिए जब यहाँ पर कोई भी खास कार्यक्रम या त्योहार होता है तो सभी लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही नजर आते हैं। पुरुष धोती और कुर्ता में नजर आते हैं और सिर पे एक सफेद रंग की पगड़ी बांधते हैं, तो वहीं महिलाओं की वेशभूषा को इनाफी कहा जाता है, जो एक शॉल जैसी नजर आती है, उसे महिलाएं स्कर्ट की तरह पहनते हैं। इस वेशभूषा में महिलाएं नृत्य करते हुए बिल्कुल राजकुमारी या परियों जैसी नजर आते हैं। मणिपुर को ऑर्किड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 500 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्किड फूल पाए जाते हैं। मणिपुर के सबसे सुंदर फूल की बात करें तो वो है शिरोई लिली। ये फूल बरसात के दौरान खिलता है, और इसकी सुंदरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1948 में लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा इसे मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाकई इस फूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, और इस फूल की एक खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में ये फूल मणिपुर के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम आपको मणिपुर के उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। राजधानी इम्फाल में कई शानदार झरने और खूबसूरत वादियों की सैर पे आप जा सकते हैं, साथ ही यहां पर आप नाइट लाइफ का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। मणिपुर की शान लोकटक लेक यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है। बता दें कि इस झील पे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी मौजूद है। इसके अलावा विष्णुपुर जिले में स्थित कैबुल लमजाओ को तैरने वाले नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो आप थौबल शहर या फिर चंदेल जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर होने के अलावा चंदेल ऑर्किड की कई किस्मों, कई सजावटी पौधों और कुछ बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है। तमेंगलोंग में हॉर्नबिल नाम का बेहद ही खूबसूरत पक्षी आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा उखरुल के चाय के बगान, जुको वैली, विलोंग खुलन, लैमाराम वाटरफॉल, श्री श्री गोविंद मंदिर और वॉर सेमेट्री जैसी अनेकों जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि मणिपुर में 3500 साल पुरानी गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहां खींचे चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले इन गुफाओं में इंसान रहा करते थे। मणिपुर में कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। नागालैंड में स्थित दीमापुर रेलवे स्टेशन इस राज्य का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। हालांकि इम्फाल का एयरपोर्ट भारत के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। मणिपुर में रहने के लिए बहुत आलिशान होटल ना सही, लेकिन प्रकृति की गोद में स्थित एक बेहतरीन जगह आपको जरूर मिल जाएगी, जिसे देख आप रिजॉर्ट्स और होटल्स के बारे में सोचना भूल ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य
मणिपुर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है मणिपुर से तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको मणिपुर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे, और क्या आप कभी गए हो मणिपुर, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।